और चलिए इसी बीच दिल्ली से सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां एमपी बीजेपी की चौथी सूची जारी कर दी गई है। सूची में आपको बता दें कि 57 लोगों के नाम शामिल हैं। बंसल न्यूज पर सबसे पहले देखिए आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एमपी बीजेपी की चौथी सूची जारी कर दी गई है। सूची में आपको बता दें कि 57 लोगों के नाम शामिल है। सबसे पहले बंसल न्यूज पर यह खबर आपको बता दें, हम पहले से ही कह रहे थे कि आज जो है एमपी बीजेपी की चौथी सूची सामने आ सकती है। देखिए बंसल न्यूज की खबर पर बहुत लगी है, एमपी बीजेपी की चौथी सूची जारी कर दी गई है, 57 लोगों के नाम इसमें शामिल है। सीएम शिवराज आपको बता दें कि बुधनी से चुनाव लड़ेंगे, और ये कहा जा रहा था कि सीएम शिवराज सिंह चौहान कहां से चुनाव लड़ेंगे, लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे। उसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि देखिए एमपी बीजेपी की चौथी सूची जारी हो गई है। हमने देखा पहली बीजेपी ने 3 सूची जारी कर दी है। चलिए खबर पर ज्यादा अपडेट लेंगे, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, चौथी सूची जारी, बंसल न्यूज की खबर पर मोहर लगी है, पहले से ही हम कह रहे थे कि आज बीजेपी चौथी सूची जारी कर सकती है, और बीजेपी की चौथी सूची सामने आ गई। क्या देख पा रहे हैं आप इस सूची में, जिन नामों को, जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, क्या कहेंगे आप? देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची घोषित कर दी। तमाम जो मंत्री थे उनको पुनः सरकार ने, पुनः भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतार दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से लड़ने जा रहे हैं, अरविंद भदौरिया भदौरिया हम कहें तो पुरानी अटेर विधानसभा से ग्वालियर ग्रामीण से भारत सिंह कुशवाहा, ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर को, दतिया से नरोत्तम मिश्रा मैदान में होंगे, खुरई से भूपेन्द्र सिंह होंगे, सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत, गोपाल भार्गव रैली से, यानी गोपाल भार्गव पर फिर विश्वास किया है भारतीय जनता पार्टी ने और फिर उन्हें चुनाव मैदान में उतार दिया है। इसी तरह हम यदि बात करते हैं तो नरियावली से प्रदीप लारिया को पुनः टिकट दे दिया है, सागर से शैलेंद्र जैन को टिकट दिया है, और इस तरह हम देखें तो ये बड़ी सूची है इस वक्त की। और खरगापुर से हम बात करें तो राहुल सिंह लोधी जो अभी हाल में मंत्री बनाए गए हैं उनको, सागर से शैलेंद्र जैन को, यानी पुराने चेहरे फिर नजर आने वाले हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त की। पन्ना से ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जो कि खनिज मंत्री है उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है। और इसी तरह यदि हम बात करते हैं तो रामपुर बगीरान से विक्रम सिंह, सिरमौर की बात करें तो यहाँ से दिव्यराज सिंह जो पहले से विधायक है भारतीय जनता पार्टी से, देवतलाव से गिरीश गौतम पर फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया है, इस वक्त की बड़ी खबर है। और आप पूरी सूची को भी देखेंगे तो ये नजर आ रहा है कि पुराने जो लोग रहे हैं उन पर खासा विश्वास किया गया है। रीवा से राजेंद्र शुक्ल है, चुनहट से सर्वेंद्र तिवारी जो पहले से विधायक है उनको टिकट दिया गया है। इसी तरह हम जयसिंह नगर से बात करते तो मनीषा सिंह को चुनाव मैदान में उतारा गया है, और जयपुर से बात करते हैं जयसिंह मराबी चुनाव मैदान में दिखाई दे रहे हैं, मानपुर से मीना सिंह मांडवे जो पूर्व से मंत्री है उन पर भारतीय जनता पार्टी ने दाव लगाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और लगातार हम बात कर रहे हैं तो ये देखिएगा ये दूसरी सूची है वो नजर आ रही है। इसी तरह हम बाकी नामों पर हम गौर करें तो देवतला गिरीश गोसन जी है, राजन सुख का हमने जिक्र किया है, यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, रैली से गोपाल भार्गव चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और वही सब पुराने चेहरे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव मैदान में दिखाई देंगे। 57 लोगों की सूची है जी। बिल्कुल मनोज जी सही कहा आपने, जैसे जिस तरीके से पुराने चेहरों पर एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा किया है, अभी तक हमने देखा कांग्रेस ने एक भी सूची जारी नहीं की, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने बढ़त बनाते हुए चौथी लिस्ट भी जारी कर दी है। बंसल न्यूज लगातार बता रहा था, लगातार ये कह रहा था कि आज बीजेपी की चौथी लिस्ट सभी के सामने होगी, और देखिए बीजेपी की चौथी लिस्ट सामने आ गई है, 57 लोगों को प्रत्याशी बनाया, यानी कि इस लिस्ट पर अगर हम गौर करें तो 57 लोग जिनको चुनावी मैदान में उतारा है उनमें से तमाम दिग्गज हैं, चाहे हम कैबिनेट मंत्रियों की बात कर ले या फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान। पहले यह कहा जा रहा था कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, बुधनी से ही वो चुनाव लड़ेंगे, पिछली बार भी हमने देखा बुधनी से ही वो चुनावी मैदान में उतरे थे, और एक बार फिर से चुनावी मैदान में वो बुधनी से उतरेंगे। और देखिए आगे भी हम आपको अपडेट देंगे, आगे भी इस खबर पर विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार बीजेपी ने किस फॉर्मूले के तहत चौथी सूची जारी की है, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कि बीजेपी ने चौथी सूची जारी कर दी है, तमाम दिग्गजों पर फिर से पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है। तो देखिए एमपी बीजेपी की चौथी सूची जारी हो गई है।